फिर नोटबंदी। 2000 रुपए के नोट छपना बंद होने पर कांग्रेस का आया रिएक्शन। रिजर्व बैंक के एक फैसले ने एक बार फिर नोटबंदी की याद दिला दी है। आरबीआई के फैसले के अनुसार आरबीआई 2000 रुपए के नोट वापस लेगी। 2000 रुपए के नोट की छपाई अब बंद हो रही है। 30 सितंबर तक बैंक के नोट वापस आरबीआई में जमा कराने होंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा किए जा सकेंगे। शुक्रवार शाम आए इस बड़े फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से बड़ा रिएक्शन आया है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, 2000 रुपए का नोट वापस लेने का आरबीआई का फैसला। 30 सितंबर तक वैध रहेंगे 2000 रुपए के नोट। 2000 के नोट सर्कुलेशन नहीं होगा, नए नोट नहीं छापे जाएंगे। सवाल, 2000 के कितने नोट एक साथ बदल सकते हैं? जवाब, कोई भी व्यक्ति 2000 को 10 नोट यानी 20,000 रुपए तक एक बार में बैंक में जाकर बदल सकता है। सतह न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।